दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें टेक्निकल यू को, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यू में। मैं योगेश, मैं आज आपके लाया हूँ, जैसे कि आप अगर कई फ़ोटो का अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं वो भी क्विकली 1 मिनट के अंदर, तो किस तरीके से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं उसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड इरेजर नाम की एक ऐप है, इसे ओपन कर लीजिए। सिंपली ओपन करने के बाद आपको जिस फोटो का बैकग्राउंड चॉइस करना है उस फोटो का बैकग्राउंड वो फोटो यहाँ पर चॉइस करिए। लोड इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गैलरी में चले जाइए। गैलरी में जाने के बाद आपका जो भी फ़ोटो है, आपने अभी जो आप जो जिस फोटो को अभी करना चाहते हैं एडिट, उस फोटो को चॉइस करें। सपोज़ मैं यहाँ पर ये धोनी जी की फ़ोटो लेता हूँ। सिंपली मैंने ये फ़ोटो चॉइस किए। सिंपली इस फोटो की अगर मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐटो पर क्लिक कर देते हैं। ऐटो पर क्लिक करने के बाद ये जो एरो दिख रहा है जहाँ से आपको बैकग्राउंड हटाना है वहाँ पर आपको ये क्लिक कर दीजिए, यह हट जाएगा। डन डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी इमेज दिख रही है हमें, उसके बाद में सेव कर दीजिए। आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, मैं बस आपको एक सैम्पल दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये बस फिनिश पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में आपको एक पता है, आपको ये तो पता है कि पिक्सआर्ट में आप एडिटिंग कर सकते हैं। सिंपली आपको ये होने के बाद आपको जाना है पिक्सआर्ट में, जैसे कि मैं जाता हूँ अभी। पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं एक इमेज सेलेक्ट करूँगा, जो कि अभी आपको जो बैकग्राउंड लेना है इमेज का वो बैकग्राउंड आप फर्स्ट थिंग चॉइस कर लिए। सपोज़ मुझे ये बैकग्राउंड लेना है तो ये बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं बैकग्राउंड के ऊपर मुझे अब क्या सिलेक्ट करना है, ऐड फोटोज़ पर सिलेक्ट करना है। सिंपली यहाँ पर ऐड फोटोज़ कहाँ पर हैं, ये देखिए ऐड फोटोज़। ऐड फोटोज़ पर सिंपली हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ऐड फोटोज़ हम कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने जो फ़ोटो एडिट की थी उसे हमने ऐड कर लिया। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने इसे ऐड कर लिया। यहाँ पर ठीक तरीके से आप एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ पर सिंपल टूल्स में जाइए। वहाँ से टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर हम इसे सिंपल थोड़ा क्रॉप करेंगे, क्रॉप, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में डन, उसके बाद में सिंपली हम इसे सेव कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से सिंपली आप 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में अगर और भी कुछ जानकारी चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।